एक प्रसंग आपको सुनाता हूं। एक बार राजा जनक ने अपने यहां कथा सुनाने के लिए महर्षि व्यास को बुलाया। कथा कई दिनों तक चलनी थी। सभी नगरवासी और संत राजा जनक के साथ बैठकर कथा सुनते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि शासकीय कार्यों के कारण राजा जनक को आने में देर हो गई। महर्षि व्यास उनका इंतजार करते रहे। जब काफी समय हो गया तो वहां बैठे लोगों ने और जो ऋषिगण बैठे हुए थे उन सभी ने उनसे शिकायत की कि आप तत्वदर्शी व्यास हैं, आप एक राजा का इंतजार कर रहे हैं जबकि हम सब लोग कथा सुनने के लिए तैयार हैं। महर्षि व्यास कुछ नहीं बोले। उन्होंने राजा जनक के बारे में काफी दोषारोपण किया लेकिन महर्षि व्यास चुप रहे। जब राजा जनक आ गए तो कथा प्रारंभ हुई और कथा प्रारंभ हुई तो कुछ देर बाद जब कथा अपने जोरों पर थी, सबको आनंद आ रहा था, तो उन्होंने अपने माया से राजा जनक के महल में आग लगा दी। महर्षि व्यास तत्वदर्शी थे। आग लग गई, सब लोगों ने देखा कि आग लग गई, चलो दौड़ो कहीं महल के साथ हमारा घर हमारी झोपड़ी भी ना फूक जाए, तो सब भागने लगे। केवल दो बैठे रह गए, महर्षि व्यास और राजा जनक, जबकि राजा जनक के महल में ही आग लगी थी। उन्होंने अपनी माया से उस अग्नि को खींच लिया और अग्नि शांत हो गई, फिर से वही महल। और तो वो लोग वापस आकर कथा सुनने के लिए बैठ गए। तब महर्षि व्यास ने समझाया कि ये विधेय हैं राजा जनक, आग लगी थी इनके महल में, सबसे पहले भागना इनको चाहिए था, लेकिन ये नहीं भागे, आप इस डर से भागे कि कहीं हमारे घर में या हमारी झोपड़ी में आग ना लग जाए, केवल हम दो ही बैठे रह गए। तो ऐसे वैधेही के लिए हम कथा सुनाते हैं। इसलिए याद रखो, कभी किसी के बारे में कोई भी निंदा ना की जाए, कोई दोष ना देखे जाए। दोष यदि देखने हैं, अवगुण यदि देखने हैं, तो अपने अंदर देखने चाहिए, सामने वाले के गुण देखने चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम उन गुणों को ग्रहण करें। दूसरे के दोष देखकर उनकी चर्चा करना ये मूर्खता है। तो सदा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।